सबसे रिक्वेस्ट है कि वह आए और अपना अनुभव साझा करें। सबसे पहले सभी आदरणीय शिक्षकगणों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ ज़्यादा टाइम तो नहीं रहा, 6-7 महीने ही रहा था, और शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैं गिनती में ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि, लेकिन आपको बस अगर सफल होना है तो मोटिवेशन से ज़्यादा आप डिसिप्लिन पे ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए। अब 60-70% का सिलेबस करके भी आराम से एक नौकरी निकाल सकते हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि आप डेली पढ़ रहे हो और जो टाइम आपने फिक्स किया है बस उसी में पढ़ रहे हो। अब इसके बाद मैं आपको बस मोटिवेशन के बजाय थोड़ा लालच देके जाऊंगा। मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं अभी, और ज़्यादा महीने नहीं, मेरे को 3 महीने ही हुए हैं, तो अभी छत्तीसगढ़ी तो जानते होंगे ना, मतलब मोर बाबू जे में ना 250 रुपया रोजी कमाते हैं इसे, है ना। और मैं ज्वाइन कर रहे हूँ 29 सितंबर को, 3 दिन भर काम करे हो, है ना, संडे ही से, संडे को फोन ही से कि एयरपोर्ट आऊँ बाबू, है ना, 8 बजे मैं पहुँचे हूँ एयरपोर्ट, मोर बाबू 250 रुपया का भैया, है ना। मैं कभी जन्म में नहीं सोच रहा हूँ, मैं 3 दिन के बाद में एयरपोर्ट में बैठे हूँ, 5-स्टार होटल में रुके रहे हूँ और बड़े बड़े होटल में खाना खा हूँ, करोड़पति अरबपति मन मोर सर सर करके बात करते ना। और फिर देखो ये भी सोचना है कि हमारा बैकग्राउंड नहीं है या फिर ये नहीं है वो नहीं है, बस यही है कि मेहनत करो तो सब चीज़ मिल जाएगी, बस वही कंसिस्टेंसी से करना है। और सर जे भी बताते हैं, सर ऊपर भरोसा करो, कोई भी टीचर हो, कहीं से भी पढ़ो, बस सर ऊपर भरोसा करो, अपन आप ऊपर भरोसा करो और लगातार मेहनत करते रहो, हमेशा कुछ ना कुछ मिली। बस इसे एक साथ मैं आपके ज़्यादा टाइम दे लूँ, धन्यवाद। और समीर सर को बहुत बहुत बधाई सर।